सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल, केम छो, मजा माँ, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी, कैसी लगी आप सबको? चलिए आज आपसे मैं कुछ मीठी रेसिपी शेयर करती हूँ। अब तक सिर्फ तीखा तीखा मैंने रेसिपी शेयर किया था और आज मैं आपसे मीठी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ आज शीरखुरमा। डिमांडेड है विजय सर की, राफिया के जो सर है उनकी डिमांड थी, उन्हें शीरखुरमा खाना था, तो मैंने सोचा चलो आज फ्री हूँ तो आज मैं बना लूँ। तो आप देखिए, यहाँ मैंने ये 2.5 लीटर दूध बॉईल कर लिया है, ये भुनी हुई सेवई ले ली है, ये शक्कर और घी निकाल के रखा है मैंने, और ये काजू बादाम पिस्ता कट कर लिया है। तो अभी ये पतीली गरम हो जाए तो फिर हम आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। घी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि सेवई जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी घी होता है। गरम हो जाए तो ये हमने 5 छोटी इलायची ले ली है, इसमें हम डालेंगे। इलायची तो वैसे बहुत से लोग अवॉइड करते हैं लेकिन मैं डालती हूँ, इसका टेस्ट अच्छा आता है। देखिए शक्कर में कोतमीर उसमें सब गिर जा रही है, अच्छे से गरम हो जाए। घी देखिए गरम हो गया है, ये पॉइंट पे अभी हम ये इलायची डाल देते हैं। इसके बाद हमने जो ये काजू बादाम और पिस्ता कट किए हैं अब ये डालेंगे। इसको हिलाते रहे नहीं तो काजू जल जाते हैं। थोड़ा ब्राउन हुए तक हम इसे गरम करेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे दूध। सब ईद पे शीरखुरमा बनाते हैं लेकिन मैं सेवैयाँ ज़्यादा लेके रखती हूँ, तो मैं मेरे बेटे और शौहर को पसंद है तो लेके रखती हूँ, जब इन लोगों का दिल होता है तो बनाती हूँ। अभी हम डालेंगे दूध। इसे बॉईल आए तक गरम करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम शक्कर डाल देंगे। इसे पकने देंगे। बहुत क्विकली बहुत जल्दी बनती है ये, जो वक्त लगता है सिर्फ दूध गर्म होने में।
दूध देखिए अच्छे लाल हो गया है, भी और लाल होएगा पकते पकते। जब ये बॉईल होगा तो उसमें हम ये सेवई छोड़ेंगे। ये होने के बाद ये थोड़े जो बर्तन है हम वो धोने के बाद धोने वाले हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा बाहर। किसी के डिमांड पे कुछ बनाना हो तो अच्छा लगता है कि हम इतने प्यार से बनाते हैं और सामने वाला खाता है। देखिए जैसे जैसे दूध गर्म हो रहा वैसे वैसे लाल होते जा रहा है, ये जितना पकेगा उतना टेस्ट आता है। जल्दी से बॉईल आ जा रही है। अब ये दूध बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम सेवई छोड़ेंगे। सेवई आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, मैं ना ज़्यादा पतला रखती हूँ सेवई, ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम रखती हूँ। अब इसे चलाते रहना है। कंटिन्यू चलाना है, कम से कम 5 मिनट तो चलाना ही है, फिर उसके बाद हम सिलो पे से छोड़ देंगे या और 10 मिनट पकाएंगे। इसके बाद मीठी मीठी शीर खुरमा रेडी। फिर चलते हैं विजय सर को देने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी देने, इनकी छुट्टी है तो ये जाएंगे, जब तक मैं ये किचन क्लीन करूंगी। सेवई हो गई, भुनी हुई सेवई बहुत जल्दी हो जाती है। ये जो लच्छे वाली सेवई आती है वही अच्छी रहती है, पैकेट वाली नहीं अच्छी लगती है। देखिए इतनी अच्छी पक रही है खच खच। अब इसे हम छोड़ देंगे, 5 मिनट अपने से पकते रहेगा। जब तक चलिए हम प्यालियाँ निकालते हैं, प्यालियाँ लेकर आते हैं ऊपर से। ये देखिए शीर खुरमा रेडी हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये रेडी हो गया है, इसे 2 मिनट हम छोड़ देते हैं थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसे इस डब्बे में डालते हैं, फिर सर के लिए भेजते हैं। कि यहाँ रख दिए, ये कितना यम लग रहा है। अभी मेरा बेटा होता तो शुरू हो जाता, उसको तो बहुत पसंद है मीठा। अभी हम इसको ये डब्बे में डालते हैं, फिर थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर सर के लिए भेजते हैं, देखते हैं उन्हें पसंद आता है कि नहीं। ये लोग तो बोलते हैं कि मैं शीर खुरमा अच्छा बना लेती हूँ, पर पता नहीं। पर ये स्टॉप करो, देखिए हो गया शीर खुरमा रेडी, फटाफट हो जाता है। अब इनके हाथ से मैं देके भेजती हूँ ये शीर खुरमा, ये प्यालिया, क्योंकि उनके पास क्लास में प्यालिया तो होंगी नहीं पीने के लिए, तो ये हम देके भेजते हैं।
और चलिए हम किचन क्लीन करते हैं, क्योंकि मुझे अभी मेरी बहन का कॉल आएगा तो मुझे जाना है। तो फटाफट घर का काम निपटाते हैं और चलते हैं, और मैं मेरी बहन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आज आपसे इंशाल्लाह। हम यहाँ आ गए हैं 5 नंबर की मार्केट। मेरी बहन भी यहाँ से मुझे ज्वाइन करने वाली है, तो वो जब तक आती है, जब तक हम कुछ सामान देखते हैं, फिर वो आएगी तो हम प्रॉपर शॉपिंग करेंगे। यहाँ से हम कपड़े शॉपिंग करेंगे, लेकिन मैं जो भी लूँगी सब घर जाके देखूँगी। इस साइज का मत देना है, 1 साल बच्चे का देना, ये 10 साल का। जिसका बोलेंगे वो दिखाएंगे। वो ऑलवेज बोलता है मेरे साइज का, इसके लिए मैं उनको पहले बता दी ताकि ऑलवेज को डाउट नहीं हो। ये अच्छा लग रहा है बेटा, ये मस्त है। नहीं ये छोटा है, वो बच्चा हेल्दी है, ये छोटा पड़ेगा थोड़ा, एक साइज बड़ा दिखा, 1.5 साल तक का दिखा। ये वो बच्चा ना हेल्दी, इसको नहीं व्हाइट कलर में दिखाओ, व्हाइट कलर में अच्छा लगेगा। पहली बार एक तो दो किसी को फिर अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ के कपड़े शॉपिंग कर लिए हैं, ये भाई की दुकान है और वो, और हम लोग ने यहाँ से शॉपिंग कर लिए है, और मैं अभी आपको इनकी दुकान दिखाती हूँ। हाँ वो बड़े भाई खड़े हैं, ये इनकी शॉप है। यहाँ बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, मुझे जब भी लेना होता है मैं यहीं से लेती हूँ, और यहाँ जब भी कपड़े लेने के लिए आओ तो ये लोग बहुत प्यार से दिखाते हैं, और बात भी ये भाई को दिखाई अच्छा मैंने ये मारो, पोस्ट मारो। और बात भी बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। हमें जाना है बाहर, तो हम शॉपिंग कर सब्सक्राइब करना आंटी, मतलब करके दो। फ्रेंड्स हम यहाँ मेरी बेटी की घड़ी रिपेयर करवाने आए हैं। घड़ी जब भी लेना हो, चाहे हाथ की हो या दीवार घड़ी हो, मैं यहीं से लेती हूँ। झूठी बात है, सच्ची बात, इनके बड़े भाई आए, वो भी आ गया, कट हो जाएगा दे तो हाल। और ये मेरी बड़ी फुप्पी है, सैरुन फुप्पी। ये मेरी खाला है, ये मेरी जान। हाँ बस तेरी आवाज बेसुरी है। हाँ गाइस यहाँ पे लाइटिंग वाली गाड़ी लेना है मेरी फुप्पी को, ये हाँ ये फुप्पी को लेना है पापा, ये मेरी बड़ी बहन। हाँ ठीक है, वाली बहन है ये, हम मेरी इलाहाबाद वाली बहन से पता नहीं कब मुलाकात है। 300 हाँ, देखो देखो ये इतनी सी कार है, लोग 300 की बोलते बाबा। मैं इसे मेरे बच्चों को खिलौने की आदत नहीं डाली। नहीं मतलब तेरे को क्या लगता है, फ्री में दे देंगे? नहीं 100 रुपया तो ले ही लेंगे। क्या बोल रही है, ऐसा मत बोल, वीडियो चालू वाला है, चार्जिंग वाला है। खोलो जरा दिखाओ, खोले खोल के दिखाओ तो सही भाई, खिलौने से अच्छा पैसा दे दो कुछ खाने। वो खिलौने की तुम से मांग रहा, कल भी गई थी तो मुझे भाई तो तारे इसी में जाऊंगी पूना बाइक के, सेल लगाएंगे तो रिमोट कंट्रोल आएगा, चालू करना पड़ेगा ना, रिमोट आ गया, यहाँ आगे पीछे होएगी सिर्फ, चालू नहीं है अभी। वो कितने की है? 550 नहीं है क्या छोटी में? पांच नंबर में ये आए हैं चाय पीने के लिए, चाय के इंतजार में बैठे हुए हैं बेचारे। और ऐसा अलग अलग नशे होते हैं हमारे चाय के, ठीक है ठीक है। चाय पीने के बाद मिलते हैं, और खिलौने की दुकान पे से हम लोग ने क्या लिए दिखा था, तो इस खिलौने की दुकान पे से ये सब लिए है बच्चे लोग के लिए। चाय पीना शुरू करने वाले हैं, अभी चाय मिल चुकी है। चटाई लेने आए हैं, चटाई लेना है।
अब हम ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और हमने जो मार्केट से कल लिया था तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ, क्योंकि कल रात को ज़्यादा ही लेट हो गया था, आते आते हमें 11:15 बज गए थे, तो इस वजह से मैंने आपको दिखा नहीं पाई। तो जो भी है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए।